वही सबसे पहले चलते कवर्धा जिले में, जहां पर आज भी कई गांव ऐसे हैं जहां के बच्चों को स्कूल तक पहुंचने के लिए भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ताजा मामला पंडरिया ब्लॉक के दामापुर स्कूल का है, जहां पर छात्रों को हाफ नदी पार करके स्कूल जाना पड़ रहा है। ग्रामीणों की माने तो नदी पर पुल तो है, लेकिन पुल के सहारे आने पर विद्यार्थियों को 5 से 6 किलोमीटर ज्यादा दूरी तय करनी पड़ती है। ऐसे में बच्चे जान जोखिम में डालकर स्कूल पहुंच रहे हैं। इस स्थान स्टॉपेड बनाया गया है और लेकिन वो भी गुणवत्ता विहीन होने के कारण एक किनारे से पूरी तरह से बह गया है, जिसके कारण अब बच्चों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इधर मामले में जिला प्रशासन ने एक बार फिर आश्वासन दिया है। आपको बता दें कि दामापुर हाई स्कूल में 9वीं से लेकर 12वीं तक की कक्षाएं लगती हैं, जहां 15 से ज्यादा उस गांव के स्कूल छात्र छात्राएं यहां पढ़ने आते हैं। इसमें 6 ऐसे गांव भी हैं जहां पर हाफ नदी पार करके विद्यार्थी स्कूल तक आते हैं। इसी हम नीचे कूद के जाते हैं आप लोग? हाँ। क्या परेशानी का सामना करना पड़ता है आप लोग को? बाहर आने के कारण हम लोग बैग भर जाता है, कभी बैग वापस आना पड़ता है, घर ज्यादा पानी हो जाता है। और कितने लोग लगभग आते जाते होंगे? कितने गांव के लोग हैं लगभग? स्कूल आने जाने में परेशानी होती है, बाढ़ आता है तो हम बह जाते हैं, जिसके कारण हम स्कूल न पाए जाते हैं। और हमें बहुत समस्या होती है स्कूल जाने में बहुत समस्या हो, जिसके कारण केंद्र शासन व छत्तीसगढ़ शासन को जल्द से जल्द यहाँ पर पुल निर्माण करवाया जाए, जिससे बच्चे हर दिन स्कूल जाए। ये पुल एक्चुअल में जीव गंगा दामापुर पंडरिया विधानसभा में है। कई बार इसको लेके हमारे द्वारा आंदोलन किया गया है, कई बार हम संबंधित अधिकारियों से भी मिले, एक बार जल सत्याग्रह आंदोलन भी किए, लेकिन उसके बाद भी इसके लिए लेके शुद्ध नहीं लिया जा रहा है। स्टूडेंट स्कूली जो बच्चे हैं, लड़कियां जो है, इसमें अभी भी 2-3 दिन पहले बच्चियां बह गई थी। प्रशासन की लग रहा है, प्रशासन जब तक कोई बड़ा घटना ना हो जाए तब तक जगने वाले नहीं है। मेरी अनुरोध है कि आप जल्द इस पे सुध लीजिए। और वार्ता प्रदीप गुप्ता जुड़ चुके हैं कवर्धा से। प्रदीप, जिस तरह हालात दिखाए जा रहे हैं कि बच्चे एक नदी को पार करके स्कूल जाते हैं, बड़ा जोखिम उठाना पड़ता है बच्चों को, ऐसे में हम बात करें वहां के प्रबंधन की, प्रशासन की, क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं बच्चों के लिए और कब तक उम्मीद की जा सकती है कि ये बच्चे सकुशल स्कूल पहुंच पाए? देखिए सर, बिल्कुल बताना चाहूंगा कि एक पंडरिया ब्लॉक के जो दामापुर बाजार है, वहाँ जो है हाई स्कूल संचालित है। लगभग उस स्कूल में 900 से ज्यादा बच्चे जो है वहाँ शिक्षा प्राप्त करते हैं, लेकिन कुछ गाँव जो है, लगभग 6 गाँव, वो उन्होंने जो है आने जाने में काफी दिक्कत होती है, जो नदी पार करके, हाफ नदी पार करके उनको स्कूल पहुंचना पड़ता है। लेकिन अगर बरसात के दिनों में अगर नदी के उफान में रहती है तो उस दौरान जो है बच्चे लोगों को स्कूल जाने में काफी दिक्कत होती है, और कहीं नदी को भी पार करने में जान जोखिम में डालकर कहीं कहीं बच्चों को जो है स्कूल पहुंचना पड़ता है। तो ये एक बहुत बड़ी लापरवाही कहा जा सकता है, क्योंकि शासन प्रशासन बिल्कुल सुध नहीं ले रहे हैं। शिक्षा विभाग हालांकि शिक्षा को बढ़ावा को देने के लिए करोड़ों रुपए खर्च करते हैं, लेकिन वहाँ तक स्कूल तक पहुँचने के लिए शिक्षा विभाग हो या शासन प्रशासन हो, उन्होंने जो कुछ भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो कहीं कहीं एक शासन प्रशासन की बड़ी लापरवाही कहा जा सकता है। इसके लिए जो है ग्रामवासियों ने कई बार से जो है कलेक्टर को भी ज्ञापन दे चुके हैं कि सड़क को जो है स्कूल से सड़क जो है कनेक्टिविटी जोड़ने के लिए, लेकिन अभी तक उन्होंने जो है आज तक इसके जो है कहीं ढंग से जो है संज्ञान ने नहीं लिया है ये। और इसके पहले एक और मैं बता दूं कि अभी हाल ही में एक बच्चे जो है नदी पार कर रहे थे, उस दौरान जो है एक बच्चे नदी से जो है बह गए थे, जिसकी मृत्यु भी हो गई थी। ये कहीं कहीं एक जो है एक बड़ी लापरवाही कहा जा सकता है, शिक्षा विभाग की हो या जिला प्रशासन की हो या शासन की हो। और साफ तौर से देखा जाता है कि इसके पहले भी एक बड़ी लापरवाही कहा जा सकता है जी। यानी कि देखना होगा कि आखिरकार प्रशासन की आंखें कब खुलती है और कब इन बच्चों की तरफ उनका ध्यान जाता है और बच्चे सकुशल स्कूल पहुंच पाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद प्रदीप गुप्ता इस जानकारी को साझा करने के लिए।